हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सलवार की मोहरी का डिजाइन। अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अपने डिजाइन की पिक्स डालती रहती हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी सलवार है, मैंने इसको इस पूरे तरीके से रेडी करके रख लिया है। सिर्फ मोरी मैंने नहीं रेडी की है, वो मैं आप सबके साथ ही रेडी करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर पिंटेक्स डालूंगी, वो हमने कैसे, मैंने नीचे वाली साइड से ही पिंटेक्स डालनी है। तो फ्रेंड्स, ऐसे मैंने सलवार की उल्टी साइड ली है, अब मैं इस तरीके से इसको फोल्ड करूंगी। तो ऐसे मैंने इसको एक इंच ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है। अगर आपको ऐसे इजी नहीं लगता है तो आप इसको आयन भी कर सकते हो बिल्कुल बराबर रखते हुए, क्योंकि पिंटेक्स के लिए हमें बिल्कुल बराबर फैब्रिक चाहिए होता है। अब मैं यहाँ पे एक सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल पैर की, यहाँ पे आधे पैर से भी कम हम सिलाई लगाएंगे पिंटेक्स के लिए। जैसे हम किनारी की सिलाई लगाते हैं कहीं पे भी, गले पे भी या किसी पे, तो उसी तरीके से हमें पिंटेक्स की भी बिल्कुल बारीक सी सिलाई लगानी है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान में रखें, जो पिंटेक्स की सिलाई होती है बिल्कुल सीधी होती है, और आप भी अपनी सिलाई को बिल्कुल सीधा सीधा लगाएं। तो ये सलवार की बॉटम वाली साइड है, यानी कि मोरी वाली साइड है, वहां पे मैं लगा रही हूँ एक इंच छोड़ के। आप ये ध्यान में रखिए, क्योंकि हमारी जो मोरी का डिजाइन आएगा वो इसके नीचे आएगा, और ये जो पिंटेक्स लगी हुई ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए मैं डाल रही हूँ इस पे पिंटेक्स। तो एक और मैं डालूंगी, मैंने टोटल 3 पिंटेक्स डालनी है। तो इस तरीके से मैं इतना गैप लेते हुए, लगभग आधे से पौने इंच का गैप लेते हुए, मैं यहाँ पे भी पिंटेक्स डाल दूंगी। ऐसे मैंने 3 पिंटेक्स की सिलाइयां लगा लिया, मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो सीधा करने पे ये ऐसे आ जाएंगी। अब हम इसको प्रेस के साथ बिठा देंगे नीचे की तरफ। तो ऐसे हमने नीचे की तरफ इसको दबा देना है, प्रेस कर देना अच्छे से, और ये नीचे वाली साइड में चली जाएगी हमारी जो पिंटेक्स है। ये मैंने आयन के साथ अपनी पिंटेक्स को बिठा लिया और ये कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी लेस। यहाँ पे मुझे लेस लगानी है नीचे वाली साइड की तरफ। ये लेस मैंने सेम कुर्ती पे भी लगाई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी एंड में। तो लेस लगाने से पहले मैं अपनी मोरी को यहाँ से इंटरलॉक कर लूंगी। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो आप इसको बारीक सा फोल्ड भी कर सकते हो नीचे वाली साइड की तरफ ऐसे। ये देखिए, यहाँ से मैंने इंटरलॉक कर लिया है नीचे से। इससे क्या होगा, इंटरलॉक से हमारी जो लेस लगेगी उसके बाद में पीछे फोल्ड करने के वक्त फिनिशिंग अच्छी आएगी, धागे नहीं दिखाई देंगे। तो ऐसे हम लेस को ऊपर वाली साइड, यानी कि ऐसे हमने जो लेस रखनी है वो उल्टी करके इस तरीके से रखनी है। ऐसे हम बिल्कुल किनारी की सिलाई के साथ लेस को स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखें, बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगाएं, क्योंकि हमारी जो लेस के बीच मार्जिन बहुत कम है सिलाई का, और सलवार का भी हमने बिल्कुल ही कम मार्जिन लिया, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल आप किनारी पे सिलाई लगाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो लेस है ऐसे ऊपर रख के स्टिच हो गई है। अब हम इसको सीधा कर देंगे। तो जब सीधा करेंगे तो ऐसे आ जाएगी घूम के ये। तो अब यहाँ पे भी हम किनारी की सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने किनारी की सिलाई लगा ली है। अब ये पीछे से भी ऐसे आ गई है हमारी इंटरलॉक वाली सिलाई। अब ये नीचे की तरफ ऐसे नहीं आएगी सिलाई लगने से, यहाँ पे फिक्स हो गई है। तो कितनी अच्छी लग रही है हमारी लेस लगी हुई। अब हम इसके नीचे अपना पोंचा स्टिच करेंगे। तो अब जो लेस के नीचे मुझे पोंचा स्टिच करना है, उसके लिए ऐसे मैंने बुकरम को फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर लिया है। लगभग मेरी ये बुकरम 1.5 इंच की है, क्योंकि ज्यादा चौड़ा अच्छा नहीं लगेगा उसके नीचे। तो ये देखिए, लगभग मेरा ये पोंचा 1.5 इंच का है। अब मैंने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर स्टिच भी कर लिया है। एक साइड से मैंने फोल्ड करके यहाँ पे किनारी की सिलाई भी लगा ली है। और अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे हमने यहाँ से भी इसको स्टिच कर लिया है। अब मैं यहाँ से
लगभग आधे इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर दूंगी। तो ये देखिए, मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम करते हुए सिर्फ एक एक पैर का ही मार्जिन लिया है। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ऐसी लेसेस की, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के कि आप ये वाली लेसेस जो है वो कहाँ से लेते हो। तो मैंने आपके लिए कुछ ऐसी लेसेस ढूंढी हैं अमेजोन पे, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। अगर आपको वहां से कुछ अच्छा लगे तो आप वहां से खरीद सकते हो। तो अब ये पोंचा हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे। तो ऐसे मैंने अपनी सलवार को उल्टा करके रख लिया है और इस तरीके से मैंने पोंचे को भी ऐसे रखना है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है वो मैंने लेस वाली साइड की तरफ रखना है, लेकिन ऐसे हम सिलाई नहीं लगा सकते क्योंकि लेस इधर उधर हो सकती है। इसलिए हम घुमा के अपनी सलवार को सीधा करेंगे और पोंचे का ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है हम ऐसे ही रखेंगे। तो इस तरीके से पकड़ते हुए मैं पोंचे का मार्जिन को भी लेस के साथ साथ और ऐसे घुमा देंगे। तो अब हम यहाँ पे लेस के किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे। ऐसे हमने पोंचे की एक्स्ट्रा मार्जिन और लेस को स्टिच कर लेना है। आप ध्यान में रखिए आपका पोंचे का जो बुकरम है वो बीच में ना आए नीचे से। तो ये देखिए, मैंने ये सारी सिलाई लगा ली है पोंचे के एक्स्ट्रा मार्जिन और लेस के ऊपर। और अब हम पोंचे को घुमा के सीधी साइड की तरफ ले आएंगे और ऐसे घुमा के सेम उसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगा देंगे और पोंचे के बिल्कुल किनारी पे। इस सिलाई से हमारी जो लेस है वो गुम हो जाएगी और ज्यादा फिनिशिंग के साथ लगेगी। तो ये देखिए, सिलाई लगने के बाद कितना ब्यूटीफुल पोंचा हमारा ऐसे रेडी हो गया है। ये लेस और पोंचा जो है हमारा एक्स्ट्रा स्टिच हुआ है नीचे की तरफ। तो ये देखिए, लगभग 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा स्टिच हुआ है, लेकिन जो हमने लेंथ नॉर्मल कट करनी है वो सलवार की, नॉर्मल ही आप भी कट कीजिए क्योंकि हमारा पिंटेक्स में भी फैब्रिक दबता है। तो लगभग 1.5 या 2 इंच हमारा पिंटेक्स में दबेगा, वो हमने 2 इंच का जो एक्स्ट्रा पोंचा लगाया उसमें हमारी लेंथ पूरी हो जाएगी। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे ही सिंपल भी रेडी कर सकते हो फिटिंग की सिलाई देके। अगर नहीं तो आप यहाँ पे अपने जो पैटर्न है होते हैं पोंचे के वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक बारीक सी लेस दे रही हूँ नीचे वाली साइड की तरफ। तो ये भी मेरे पास कॉटन की ही लेस है, ये बारीक सी लेस है। और अब मैं ये मेरे पास आगे जिगजैग है यानी कि कटवर्क डाला हुआ है, ये देख सकते हैं। ये भी इजीली मार्केट से मिल जाती है और मैं इस तरीके से इसको नीचे की तरफ रखते हुए बिल्कुल किनारी की सिलाई के साथ अपना सिर्फ कटवर्क ही दिखाऊंगी बाहर की तरफ। तो ये देखिए, ये मैंने लेस ऐसे स्टिच कर ली है, मैं इसके ऊपर कोई पैटर्न नहीं बना रही हूं, मैंने इसको ऐसे ही रखना है। अब मैं यहां पे फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी अपने पोंचे पे। ऐसे फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा दिया, मैं आपको इसको पलट के दिखाती हूँ। तो पलटने के बाद ये देखिए कितना ब्यूटीफुल पोंचा हमारा ये लग रहा है। अब मैं आपको इसकी शर्ट भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये इसके साथ कुर्ती बनाई है बैन नेक के साथ। तो ये जॉर्जेट का फैब्रिक है। ये देखिए, स्लीव पे भी मैंने सेम उसी तरीके से पोंचे के जैसे डिजाइन दिया है। तो जॉर्जेट की कुर्ती और रेयन कॉटन की सलवार के साथ हमारा ये गर्मियों का ब्यूटीफुल सूट ऐसे रेडी हो गया है। तो ये होगी शर्ट के साथ हमारी सलवार की फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।